नमस्कार, स्टार्स चल के सौजन्य से मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं शुक्र के अहम गोचर की। कला, विलासिता और सौंदर्य का प्रतीक शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह अपना गोचर करने वाला है अपनी नीच राशि में और 9 सितंबर की रात्रि को 1:40 पर शुक्र ग्रह अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे। इस गोचर का सभी 12 राशियों पर बड़ा ही प्रभाव पड़ेगा। ये बात अलग है कि कुछ राशियों को इसका विशेष लाभ मिल सकता है और कुछ राशियों को उतना लाभ नहीं मिलेगा। इस बार के गोचर में एक सबसे नई चीज़ होने वाली है कि 10 तारीख की रात्रि को मध्य रात्रि के बाद और यानी कि 11 तारीख की सुबह 5 के आसपास बुध ग्रह भी कन्या राशि में गोचर करेगा और इस गोचर से जो शुक्र ग्रह है उसका जो नीचत्व है वो नीच भंग हो जाएगा। यानी कि शुक्र ग्रह से जो उसका नेगेटिव रिजल्ट है अन्य राशियों पर, जो जिन राशियों के लिए वो बहुत शुभ नहीं रहेगा, उनके लिए भी ये थोड़ी राहत की बात हो सकती है। जिन राशियों को शुक्र ग्रह के गोचर का लाभ मिलेगा उनको मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है, उनका आत्मविश्वास बढ़ सकता है, आर्थिक परेशानियाँ उनकी दूर हो सकती हैं, सुख और भौतिक संसाधनों में उनकी वृद्धि हो सकती है, विद्या और बुद्धि में लाभ मिल सकता है और सबसे बढ़िया बात, अगर उनके निजी संबंधों में यानी उनके वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं उनकी लाइफ में अगर चल रही हैं तो हो सकता है कि ये समस्याएं अब कुछ कम हो जाए और उनके प्रेम संबंधों में कुछ नज़दीकें आ जाए, भाग्य साथ देगा और साथ ही कार्य क्षेत्र में भी उनको लाभ मिल सकता है। ये शुक्र ग्रह से मिलने वाला शुभ प्रभाव होगा और जिन राशियों को इसका लाभ मिलेगा वे राशियां हैं वृष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि, मकर राशि और मीन राशि। जी हाँ, ये वे राशियां हैं जिन राशियों को शुक्र के नीच राशि में गोचर करने का बहुत बुरा प्रभाव नहीं मिलेगा बल्कि अच्छा लाभ मिल सकता है और जितनी चीज़ें मैंने बताई उनके जीवन में इन चीज़ों में वृद्धि होगी। अब मैं बात करता हूँ कि कुछ उन राशियों के बारे में जिन्हें इसके नकारात्मक प्रभाव मिल सकते हैं। यद्यपि मैंने कहा है कि बुध के कारण नीचत्व भंग हो गया है लेकिन फिर भी उनको परेशानी आ सकती है, उनके जीवन में उनका मनोबल कम हो सकता है, उनके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, आर्थिक परेशानियाँ हो सकती हैं। आर्थिक परेशानियों में यानी कि अगर किसी को आपने पैसा दे रखा है, उन्होंने आपको समय दिया था कि वे अब इस महीने में आपको आपका धन लौटा देंगे, तो हो सकता है कि अभी और समय लग जाए। और इसके अलावा जो आपके दोस्त हैं उन्होंने अगर आपसे कोई वादा किया था, हो सकता है कि वे अपने वादे से मुकर जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने कहीं पर अपने भौतिक सुख संसाधन या गाड़ी की बात कर रहे थे, मकान की बात कर रहे थे और बात फाइनल हो गई थी तो किसी न किसी वजह से हो सकता है कि वहाँ पर दिक्कतें आ जाए और वो जो सौदा है वो कुछ दिन के लिए और टल जाए। तीसरी बात हम करते हैं, अगर कुछ लोगों को इस महीने में अगर उन लोगों को जिन लोगों को शुक्र का जो नीच राशि में गोचर है उसका जो नकारात्मक रिजल्ट मिलने प्रभाव जो उनको झेलना पड़ेगा, तो हो सकता है कि अगर इस महीने में अगर आपके कुछ प्रतियोगिता परीक्षाएं अगर आपको देनी है तो हो सकता है कि आपको बड़ा आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपका जो मनोबल है वो कमज़ोर हो जाए और आप डर डर के अपनी परीक्षा या साक्षात्कार दे रहे हों। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो वैवाहिक जीवन है, आपके जो प्रेम संबंध है उनमें कुछ दूरियां बन जाए जिसकी वजह से हो सकता है वो गलत फहमी भी हो सकती है, किसी गलत वजह से या उनकी कोई भ्रम पैदा हो सकता है जिसकी वजह से दूरियां बन सकती हैं। भाग्य के भरोसे आपको नहीं रहना होगा और इसके अलावा काम काज में भी कुछ दिक्कतों का सामना इन राशियों को करना पड़ सकता है। कौन है वे राशियाँ, मैं बताता हूँ आपको कौन सी वे राशियाँ जिनको इस दौरान यानी इस महीने में शुक्र ग्रह के गोचर के दौरान कुछ परेषानी आ सकती है। वे राशियां हैं मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। ये वे राशियां हैं जिनको सावधानी बरतनी होगी इस महीने में। अतः अगर आपको लगता है कि इन चीज़ों को आप टाल सकते हैं, जिन चीज़ों को आप टाल सकते हैं उन्हें जरूर टालें, जिन चीज़ों को टाल नहीं सकते उन पर आप सावधानी बरतें, जिन जिन कार्यों को आप रोक सकते हैं, जैसे कि आप किसी बात कर रहे थे मकान के सौदे की बात कर रहे थे, गाड़ी की बात कर रहे थे, कुछ ऐसे काम जिनको आप टाल सकते हैं उनको आप थोड़े टाइम के लिए रोक सकते हैं और रोकने में आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप कोर्ट कचहरी में कोई आपको कोई केस दर्ज करना है तो थोड़े दिन के लिए रुक जाइए क्योंकि इस दौरान आपको कुछ परेशानी आ सकती है, काम आपके रिलेटेड हो सकते हैं।
तो दर्शकों में अब एक नए गोचर की यानी कि जो ग्रह मंडल में कोई बड़ा बदलाव जब भी होता है मैं उसकी जानकारी लेकर के आऊँगा। आप देख रहे थे स्टारस्टल और आगे भी बने रहे हमारे स्टारस्टल के साथ में। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, इससे हमारी आने वाली नई वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।